आपकी जब शादी हो रही थी तो सबसे पहले शादी के लिए राजी कौन हुआ? मेरे पति ने भी नहीं बोले थे और मैं भी नहीं बोली थी। अरे फिर शादी कैसे हो गई? जबरदस्ती। जबरदस्ती? अब तो पति से प्यार करती हैं? शादी के एक साल बाद ही प्यार शुरू हो गया। आपके पति ही अगर सुपरमैन होते तो आप कौन कौन सा काम उनसे करवाती? घर का सारा काम। तो आप क्या करती? बैठते। आपके चाचा सासुर आपका ख्याल क्यों नहीं करते? इसलिए मैम कि वो जैसे बोलते हैं कि जो है मेरे अंदर रहना है, बच्चों को भी वो दबाव में रखते हैं। हस्बैंड भी मेरे बहुत दिन तक उनके दबाव में रहे, लेकिन हमने कहा कि जब आपने हमसे शादी की है तो आप मेरा भी तो यहाँ पे कुछ है कि नहीं है, इस वजह से। लाइफ है, संघर्ष का समय है तो संघर्ष भी करना है हंस हंस के। मैम हमने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया और अभी भी हम कर ही रहे हैं। रेशमी बाल रेशम से गाल, रेशमी बलखाती चाल, हर मेम साहब की चाहत होती है। अब सोचिए उस शहर की क्या बात होगी जो रेशम ही बनाता है। मैं रेशम जैसी खूबसूरत मगर टैलेंट से भरी मेम साहबों की तलाश में आ पहुंचा हूं सिल्क सिटी रेशम नगरी भागलपुर। गंगा नदी के किनारे बसा भागलपुर बिहार के बड़े और हिंदुस्तान के ऐतिहासिक शहरों में से एक है। अपने खास किस्म के सिल्क के उत्पादन के लिए ये पूरी दुनिया में विख्यात है। यहाँ कुप्पा घाट, विशारी स्थान, मनसा देवी मंदिर और विशेश्वर स्थान जैसे धरोहर हैं। बिग गंगा के सभी दर्शकों को प्रियेश सिन्हा का नमस्कार। स्वागत है आपका उस शो में जहाँ हौसलों की बिसात पर दिखाती है मेम साहब अपने हुनर के करामात, जिसे आप कहते हैं एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चटके में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। कॉलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। मैं आ पहुंचा हूं भागलपुर के ऑडिशन वेन्यू पे, जहां पे बहुत सारी मेम साहब अपने अपने ऑडिशंस को देने के लिए आई हुई हैं और बहुत सारी मेम साहब धीरे धीरे करके आ भी रही हैं। घर परिवार के सारे काम को करने के बाद ही इन मेम साहबों को अपने कामों के लिए निकलना होता है, तो इस वजह से धीरे धीरे करके वो आ रही हैं। पर जो आ गई हैं मैं उनसे करने वाला हूं कुछ बातचीत। तो सबसे पहले तो मैं करूंगा आपसे थोड़ा सा बात। आपका नाम क्या हुआ? रिंकू कुमारी। रिंकू जी आप फोन करती हैं? हाँ, फोन किसको करती हैं? किसको कर रहे हैं? मम्मी लोग का आता है, बहन लोग का आता है। शादी को कोई मजेदार बात बताइए ना आप। पुल जो है तभी तो बना हुआ नहीं पुल था। नहीं बना हुआ था, तो नाव से बराती जो आया था तो वो स्टीमर से। सारे बराती स्टीमर पे बैठ के आए थे। वो भाभी है जिनको नदी पार करके, नदिया के पार वाली भाभी है ये। क्या बात है। रति, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2004 में हुई। 2004 में हुई थी। तो पतिदेव से आपको प्यार कहाँ हुआ था? मंडप में, जयमाला पे, या फिर कहीं घूमने निकली थी तब? जी जयमाला स्टेज पे, वो मुझे तिरछी निगाहों से देख रहे थे, हमको साइड देख के फिर स्माइल कर रहे थे। ये फोटो में भी कैद हुआ है ये चीज। वीडियो में पकड़े गए हैं दूल्हा भी, पकड़े गए हैं भाई। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। आइए बात करते हैं अब मेरे दाहिनी तरफ हैं, क्या नाम है आपका? आरजू इनाम। ये इनाम दुनिया में कब आई थी, मतलब माता पिता को कब ये इनाम मिला था? ये मिला था, ये मेरे पापा बहुत फेमस हैं जी, वो मतलब कि एडवोकेट पेशा में बहुत फेमस लॉयर, बहुत नाम किए और मजिस्ट्रेट में भी कंप्लीट कर गए थे। अच्छा, इसलिए इनाम टाइटल उनके टैलेंट पर रखा गया। आपका क्या नाम है? गुड्डी कुमारी। गुड्डी बड़ी हो गई है, शादी भी हो गई, लेकिन नाम अभी भी गुड्डी है। सुन के लगेगा भाई गुड्डी कोई 4-5 साल की मुनिया। अच्छा ये बताइए गुड्डी जी की शादी कब हुई? 1911। ये कौन सी ईस्वी है? 2011 में शादी हुई आपकी, 13 जुलाई को। तो 13 जुलाई को गर्मी में किया आपने? गर्मी में। क्यों गर्मी से इतना प्यार क्यों? गर्मी में जब चील बाहर नहीं निकलती, गिद्ध बाहर नहीं निकलते, उस गर्मी में एक आदमी दूल्हा बनकर सज धज कर घोड़ा पे निकला और आपसे शादी कर बैठा। उनका आपके लाइफ में किस तरह से सपोर्ट है ये बताइए? बहुत अच्छा सपोर्ट है, वो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, तभी तो मैं यहाँ तक आई हूँ। आप यहाँ तक आई हैं। चलिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप नाम भी कमाएं और अपने टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने दिखाएं। तो
भागलपुर के इस खूबसूरत ऑडिशन के मंच पे अब बारी है बुलाने की अपने दो खूबसूरत जूरी मेंबर्स को, जो अपने अंदाज से, अपने बातों से, अपने कसौटी पे परखेंगे भागलपुर के टैलेंटेड मेम साहबों को। तो बहुत जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं हम अपने पहले जज का। हमारी आज की पहली जज हैं संध्या मिश्रा जी। मैं बचपन से संगीत में रुचि रखती हूँ, संगीत से मैंने MA किया था और वर्तमान में मैं झारखंड में महिला महाविद्यालय में एक संगीत की शिक्षिका हूँ। देश के कई मशहूर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति देने के अलावा नारी सशक्तिकरण के लिए ये सम्मानित हो चुकी हैं। बिग मेम साहब में जो भी पार्टिसिपेंट्स भाग लेने आ रहे हैं वो अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करें, हार जीत की चिंता ना करें। हमारी आज की दूसरी जज हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सेमी क्लासिकल और फोक डांस की महारथी नीना एस प्रसाद जी। केरला से हम लोग का ऐसा प्रोग्राम लेके मुंबई में आया था, मुंबई में मेरे हस्बैंड को मिला, फिर कोर्ट मैरिज करके हम लोग बिहार में आ गए। बरेली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डांस कंपटीशन में इनके द्वारा तैयार किए गए डांस थीम पर इनके स्कूल के बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भागलपुर का सब लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। आग्रह है आप लोगों से कि जज के कुर्सी पे विराजमान हो जाएं ताकि हम ऑडिशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। प्लीज। भागलपुर के ऑडिशन का यह मंच बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो अब बिना किसी देरी के बुलाते हैं पहली कंटेस्टेंट मेम साहब को और ऑडिशन के कार्यक्रम को फौरन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम गुड्डी कुमारी है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे डांसिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी माँ का ये सपना था कि मेरी बेटी को दुनिया देखे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका यही सपना पूरा करना चाहती हूँ। अगर मुर्गा पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठा है तो वो अंडा किस तरफ देगा? पश्चिम की तरफ। मुर्गा कब अंडा देता है? सुबह में। मुर्गा अंडा देता है या मुर्गी अंडा देती है? अच्छा डांस किया आपने, घर में भी करती हैं आप? कभी कभी कर लेती हूँ सर। कभी कभी मतलब जिस दिन हस्बैंड का मुंह फुला हुआ हो उस दिन? ऐसी कोई बात नहीं। कैसा लगा ये डांस, आइए जानते हैं अपने जूरी मेंबर से। जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आप इस तरह से डांस करती हैं तब तो आप अपने पूरे परिवार के बीच में बहुत प्यारी होंगी, सही है? जी मैम सही है। चलिए हमारी शुभकामनाएं हैं जूरी मेंबर्स को, तो बहुत अच्छा लगा डांस, अब आगे क्या होना है आपके साथ ये तो वक्त के साथ ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल वक्त है अगले कंटेस्टेंट को बुलाने का, तो आइए मेरे साथ। जय मांबे जय जगदम्बे राश की रसैया, माता देना पिता देना और देना बहिनिया, माता देना पिता देना और देना बहिनिया। आपको पूजा पाठ में बहुत विश्वास? बहुत है। बहुत विश्वास। कृष्ण के पिता का नाम क्या था? वासुदेव। लाल लंगोटे वाला किसको बोला जाता है? बजरंगबली। भागलपुर में ऑडिशन जोर शोर से चल रहा है और सभी मेम साहब आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। उन्हें पता है कि इस तरह का प्लेटफॉर्म, इस तरह का मौका उन्हें बार बार नहीं मिलेगा, लेकिन यहां मेरे साथ इन्हें एक मौका मिलने वाला है जहां पे ये बन सकती हैं बॉलीवुड की एक्सपर्ट मेम साहब। इन्हें करना क्या है मैं आप लोगों को बता दूं, बॉलीवुड के उन सवालों को सुनना है जो मैं पूछूंगा, और अगर जवाब पता है तो झंडा ऊंचा करना है। जिनका झंडा सबसे पहले ऊंचा होगा मैं उन्हीं से जवाब पूछूंगा, और जवाब ज्यादा से ज्यादा सही देकर आप बन सकती हैं बॉलीवुड की एक्सपर्ट मेम साहब। चले मेरा पहला सवाल है आपसे, भागलपुर से संबंध रखने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री का क्या नाम है? नेहा शर्मा। सर बिल्कुल सही जवाब है, क्रूक उनकी फिल्म थी। भागलपुर के चर्चित अखफोड़वा कांड पर आधारित फिल्म का नाम बताएं।
जी झंडा आपने ऊंचा किया, गंगा जल। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल है मेरे पास, माँ है ये किस फिल्म का डायलॉग है? दीवार। दीवार जी, बिल्कुल सही जवाब है। कौन बनी है बॉलीवुड की एक्सपर्ट मेम साहब, ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करें चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कॉलगेट, कॉलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके चहेते कार्यक्रम एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कॉलगेट, कॉलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। मैं आपको बता दूं कि भागलपुर की ऐतिहासिक पहचान के साथ साथ भागलपुर की एक अलग पहचान भी बन रही है, और ये पहचान बना रहे हैं यहां से निकले बॉलीवुड के वो सितारे जो न सिर्फ बॉलीवुड में अपना नाम बना रहे हैं बल्कि भागलपुर का भी नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, जिनमें से नेहा शर्मा, गुरमीत चौधरी, स्मृति सिन्हा, बल्कि यहाँ के पृष्ठभूमि में बनी फिल्म गंगा जल भी काफ़ी सुपर डुपर हिट हुई थी और काफ़ी अवार्ड भी उन्होंने बटोरे थे। पर अब देखना ये है कि आप में से कौन बॉलीवुड एक्सपर्ट मेम साहब का अवार्ड जीतता है, और ये अवार्ड जीता है नरगिस खान जी ने। थैंक यू सर। और आपको मिलता है एक्सपर्ट की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैंपर। आइए अब चलते हैं ऑडिशन एरिया में और देखते हैं कि अंदर क्या धमाल मच रहा है और उठाते हैं उसका आनंद। हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया ही बदमाश हो गई। झांसी की रानी का पूरा क्या नाम है? याद नहीं आ रहा मैं। आपकी जब शादी हो रही थी तो सबसे पहले शादी के लिए राजी कौन हुआ? मेरे पति ने भी नहीं बोले थे और मैं भी नहीं बोली थी। अरे फिर शादी कैसे हो गई? जबरदस्ती। जबरदस्ती? जबरदस्ती कैसे हुई? मैं बहुत छोटी थी, मेरा जब शादी हुआ था 17 इयर्स। 17 साल की उम्र में क्या शादी जायज है? नहीं है। फिर भी आपके माता पिता ने आपकी शादी करा दी? हाँ। अब तो पति से प्यार करती हैं? शादी के एक साल बाद ही प्यार शुरू हो गया। आपके पति ही अगर सुपरमैन होते तो आप कौन कौन सा काम उनसे करवाती? घर का सारा काम। अल्लाह, तो आप क्या करती? बैठते। घर में कौन कौन है? ये हमारा बहुत छोटा सा फैमिली है, 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ। और परिवार के लोग कोई नहीं है? मेरे सास ससुर तो नहीं है, लेकिन चचिया सास लोग हैं तो मुझे देखना नहीं चाहती, इसलिए हम अपने बच्चों को और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे चले आए। आपके चाचा सास ससुर आपका ख्याल क्यों नहीं करते? इसलिए मैम कि वो जैसे बोलते हैं कि जो है मेरे अंदर रहना है, बच्चों को भी वो दबाव में रखते हैं। हस्बैंड भी मेरे बहुत दिन तक उनके दबाव में रहे, लेकिन हमने कहा कि जब आपने हमसे शादी की है तो आप मेरा भी तो यहाँ पे कुछ है कि नहीं है, इस वजह से। लाइफ है, संघर्ष का समय है तो संघर्ष भी करना है हंस हंस के। मैम हमने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया और अभी भी हम कर ही रहे हैं। सुनिए ना, मेरा सास ससुर भी ऐसा ही था, मैं डांसर था और लोग नहीं चाहते था मैं ये लाइन में आ जाए। मैं केरल की है, पर इधर आया, लड़ा, हस्बैंड बेचारा बहुत कमजोर था, उसको भी कुछ नहीं कर सकते था, मगर मैं इधर एक एक कदम आगे रखा। आज ये भागलपुर में सब लोग जानते हैं मेरे को, ऐसा कोई नहीं है नहीं जानते करके रोना नहीं, ठीक है। भागलपुर की मेम साहब सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि नॉलेज और ज्ञान के मामले में भी ये किसी से कम नहीं, तो स्कूल कॉलेज का यही ज्ञान अभी इन्हें बनाने वाला है भागलपुर की क्या एक्सपर्ट मेम साहब। तो भागलपुर की एक्सपर्ट मेम साहब बनने के लिए आप लोगों को जवाब देना है मेरे उन सवालों का जो भागलपुर से ही संबंधित होंगे। मेरा है पहला सवाल आप लोगों से ये, भागलपुर का एसटीडी कोड क्या है? 0641। सही है, 0641 भागलपुर का एसटीडी कोड। और दूसरा सवाल, भागलपुर में बहने वाली गंगा किस नाम से जानी जाती है? जानवी से। बिल्कुल सही जवाब। भागलपुर को और किस नाम से जाना जाता है?
सिल्क सिटी के नाम से। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, भागलपुर में प्रचलित भाषा कौन सी है? अंगिका। अंगिका, बिल्कुल सही जवाब। अगला और आखिरी मौका, आप लोगों ने बताना है कि भागलपुर से संबंधित उस प्राचीनतम विश्वविद्यालय का क्या नाम है? नालंदा विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक, बिल्कुल सही जवाब। भागलपुर के एक्सपर्ट मेम साहब बनने के लिए मैंने 5 सवाल पूछे और 5 में से 2 जवाब आपने चंदन जी सही दिया और 2 जवाब आपने सही दिया आरजू जी। अब आप लोगों के बीच में टाई हो चुका है, तो आप लोगों में एक्सपर्ट मेम साहब कौन बनती हैं उसको जानने का एक नया फॉर्मूला मैंने निकाला है कि अब आप लोगों को फोड़ना है एक बलून। तो आपका समय शुरू होता है अब। फोड़ना है, दम लगाए, ये आपको मिलता है एक्सपर्ट हाइजेनिक्स डिशवॉश बार की तरफ से ये शानदार बैच और आपको मिलता है एक्सपर्ट की ओर से ये बहुत ही प्यारी सी भेंट। आज कैंप में बहुत सारे बच्चे आए, मैंने उसका चेकअप किया। अधिकतर बच्चों में वेट और ग्रोथ की कमी नजर आई। मैंने उनको रोज हॉर्लिक्स पीने की सलाह दी है। अब हॉर्लिक्स आ गया है डबल इम्यूनो न्यूट्रिएंट के साथ, जो आपके बच्चे को देगा 5 तरह से ग्रोथ। आप सभी पिलाएं हॉर्लिक्स, आपके बच्चों को देंगे अंदर से सेहत और बाहर से ग्रोथ। मेरा नाम नरगिस खान है, मैं रहने वाली हूँ भागलपुर बिहार की। इस बार ऑडिशन देने आई हूँ, डांस गाना और जो जो सवाल जज पूछेंगे अपने बारे में बताएंगे। मुसलमान में तो अलाउ नहीं है ये सब, तब भी हम आते हैं ये कोशिश करने के लिए। मेरा देख के और महिला आएंगी। बच के तू रहना दिलदार सजना, महंगा पड़ेगा तुझको प्यार सजना। बजर बजर बजा बैंड बाजा, हरे इसका बजर देखो बैंड बाजा। महिलाओं के लिए शिक्षा के प्रति आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो महिलाओं को आज के दौर में सेल्फ डिपेंडेंट, पैसे कमाना, जितने करप्शन हो रहे हैं, अभी मैं सिविल क्रिमिनल में केस डील कर रही हूँ, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहा है, 7 इयर्स 8 इयर्स, तो जो रेप का मीनिंग भी नहीं जान रहा उस बच्चों के साथ, ये महिलाएं एकदम नहीं है जागरूक, कुछ पढ़ी हुई नहीं है, उनको मैं साक्षर बनाना चाहता हूँ। अभी मैं मजिस्ट्रेट के फील्ड में आने की कोशिश कर रही हूँ, मैं एक सीढ़ी दूर हूँ अभी। मैं चाहती हूँ कि अगर उस फील्ड में आ जाए तो सबसे पहले करप्शन को कोशिश करूँगी रोकने के लिए। उसी पर एक कोटेशन बोल देती हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और इसी के साथ भागलपुर का ये ऑडिशन यहाँ समाप्त होता है। भागलपुर में आज आपने मेम साहबों के अलग अलग अंदाज को देखा, आनंद उठाया, बल्कि उन्होंने भी खुद परफॉर्मेंस देते वक्त बड़ा आनंद लिया। तो अब बारी है ये जानने की कि इनमें से कौन कौन हमारे साथ गाला राउंड में जाने वाले हैं। भागलपुर ऑडिशन में हमारे जजेस की कसौटी पर खरी उतरी हैं गुड्डी कुमारी और साधना सिंह। अब इनसे मुलाकात होगी गाला राउंड्स में, जहां ये महामुकाबले में उतरेंगी अपने नाम रोशन करने के लिए, अपने भागलपुर का नाम रोशन करने के लिए, अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए। इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं। देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रांग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट, कॉलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट।
संगीत कहाँ सुनाई पड़ा था? यार बगले में। बगले में? आई तो तनिक समझ जाओ। वाह वाह वाह, भोजपुरी माटी की शान महेंद्र मिश्र जी, भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी की पावन धरती छपरा से बिग गंगा के सभी दर्शकों को प्रियेश सिन्हा का नमस्कार सलाम। जिस धरती ने भोजपुरी और भोजपुरी भाषियों को एक नई पहचान दी, उसी धरती पे ढूंढ रहा हूं मैं एक और नाम जो यहाँ के शान को और बढ़ा सके। तो स्वागत है आपका आपके चहेते कार्यक्रम में, जिसे आप कहते हैं एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कॉलगेट, कॉलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। 18वीं शताब्दी में नदी किनारे एक बाजार के रूप में विकसित किया गया छपरा हिंदुस्तान के सबसे पुराने और मशहूर शहरों में से एक है। 1974 के संपूर्ण क्रांति के जनक जय प्रकाश नारायण, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर इसी की धरती से निकले हैं। सीजन 7 मैं ही जीतूंगी। मम्मी ऑल द बेस्ट। छपरा के मेम साहब जोश से भरी हैं। तो ऑडिशन स्टार्ट करने से पहले हम वेलकम करेंगे अपने ज्यूरी मेंबर्स का। तो आइए मुलाकात कराता हूं आपको हमारी सबसे पहली जज से। हमारी आज की पहली जज हैं पूर्व जिला पार्षद अमिता सिंह जी। एक राजनीतिज्ञ के तौर पर ये हमेशा महिलाओं के हक की आवाज बुलंद करती हैं। मैं ये सोचकर राजनीति में आई थी कि राजनीति में मुझे बदलाव करना है। मैं बहुत सारी औरतों में बदलाव लाई, ये हमारी राजनीति में आने का बहुत बड़ा उद्देश्य जो ये था, मेरा सफल हुआ। देश के हर माँ बाप से अपील करती हैं कि अपनी लड़कियों को खूब पढ़ाएं, क्योंकि अगर एक बेटी बहन और माँ शिक्षित होगी तभी देश और समाज शिक्षित होगा। बिग मैम साहब सीजन 7 इसकी जज की भूमिका में मैं आ रही हूँ। मुझे लगता है ये पीछे नहीं महिलाओं को रहना चाहिए, इसमें अपना हुनर दिखलाना चाहिए। हमारी आज की दूसरी जज हैं समाज सेवी वीणा सरण जी। पेशे से एक निजी स्कूल की संचालिका वीणा जी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ने को कहती हैं। मेरी जिंदगी दूसरों की खुशी में है। समाज में जो लोग रोते हैं वो हंसते दिखते हैं, मेरी फैमिली खुश रहती है, तो उसमें मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन होता है। इनका मानना है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे कर दिखाने का जुनून किसी काम को बड़ा या छोटा बनाता है। सभी महिलाओं में कुछ न कुछ प्रतिभा है, कुछ न कुछ सपने हैं जो उजागर नहीं हो पाते हैं। ये शो एक ऐसा शो है जो एक मंच देता है और अपने प्रतिभा को सामने लाता है। इसी शो में हमें जजमेंट के लिए मौका दिया गया है, एज अ जज हमें बुलाया गया है, तो मैं सबको ऑल द बेस्ट करती हूँ। आप दोनों के शेड्यूल इतने बिजी होते हैं, बावजूद उसके आप लोगों ने इतना बेशकीमती वक्त दिया, बहुत बहुत आभारी हैं हम। और जो भार अब आपके कंधे पे है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तो उसके जिम्मेवारी को निभाएंगे ही, और जो मेम साहब यहाँ आने वाली हैं ऑडिशन देने, वो भी इतना दमखम दिखाएंगी कि आपके दिल, आपके दिमाग, आपके मिजाज खुश हो जाएं और आपको गर्व हो कि भाई हमारे छपरा में भी इतना टैलेंट है। तो छपरा का ऑडिशन के मंच तैयार हो चुकल बा, हमारे ज्यूरी मेंबर लोग भी आके बैठ गए बा। लोग तो आए, स्टार्ट कर जाओ ऑडिशंस के और बुलाओ तारी अपन पहला कंटेस्टेंट मेन साहब। मेरा नाम सोनी कुमारी है, मैं छपरा की रहने वाली हूँ। मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं गाना देखती हूँ, बच्चे को भी डांस सिखाती हूँ, डांस भी करती हूँ। मैंने कभी किसी के सामने कोई डांस नहीं किया, एक बैग से आज मौका मिला तो थोड़ी सी नर्वस हूँ और थोड़ा सा डर भी लग रहा है और थोड़ी सी कंफ्यूज भी हूँ बाकी सब कंटेस्टेंट्स को देख के। लेकिन हाँ, फिर भी एक उम्मीद है कि मैं सबसे अच्छा ही करूँगी। सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल
खान का कोई डायलॉग बोलिए आप। एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दिया फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। घर परिवार में कैसा है, क्या चल रहा है? घर परिवार मेरा सास नहीं है, ननद और देवर भसुर कोई नहीं है, लोग चार बच्चे हैं, लोग दो लड़का दो लड़की, और मेरे हस्बैंड जी 8 साल से पागल हो गए थे, वो भी मॉडलिंग किए थे, और मैं ट्यूशन बच्चे लोग को पढ़ाती हूँ, सीएचएफ का काम करती हूँ स्वास्थ्य विभाग से। इतनी हिम्मती हैं आप, और उन सब कार्य को देखते हुए आप इस प्लेटफॉर्म पे आई, सबसे पहले तो आपके आने के लिए मैं आपको सल्यूट करता हूँ। सबका पहचान बनाती हैं ता उम्र, और खुद अपनी पहचान खो देते हैं, लेकिन आपको देखकर लगता है हमें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। छपरैया मैम साहब ऑडिशंस में अपना हुनर दिखाने का भरसक प्रयास कर रही हैं, और सफलता किसके हाथ लगेगी ये तो वक्त के साथ ही हमें मालूम पड़ेगा। पर फिलहाल मैं आपको एक कहावत सुनाना चाहूंगा, बल्कि आपने वो सुनी भी होगी, अपने बच्चों को सुनाई भी होगी, कि एन एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, मतलब एक सेब खाकर आप डॉक्टर को अपने घर से दूर रख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि बहुत खाने से ही आप फिट रहेंगे ऐसी बात नहीं है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, इसकी जानकारी होनी बेहद जरूरी है। तो सेहत और स्वास्थ्य के बारे में छपरैया मेम साहबों को कितनी जानकारी है ये मैं पता लगाने वाला हूँ अपने अगले राउंड में, जिसका नाम है कॉलगेट कैल्सिलॉक सुरक्षा राउंड। तो इस राउंड में भी मैं सवाल पूछूंगा, जिनका झंडा सबसे पहले ऊपर उठेगा मैं उन्हीं से जवाब मांगूंगा। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, संतरे से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, मानव हृदय का प्यार करने के अलावा क्या काम है? ऑप्शन है ए रक्त को पंप करना, रक्त बनाना, रक्त जमाना। रक्त को पंप करना ये बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, दांतों के दर्द में क्या फायदा करता है? ऑप्शन है ए लौंग, बी हल्दी या सी दूध। जी बताइए। लौंग। आपको भी दांतों में दर्द रहता है, लौंग खाती हैं? हाँ, लौंग इसमें दांत में लगाते हैं। और ये सही जवाब है। आप लोगों में से कॉलगेट कैल्सिलॉक सुरक्षा राउंड की विनर हुई हैं सोनी कुमारी, और इन्हें मिलता है कॉलगेट कैल्सिलॉक सुरक्षा बैच। आइए अब चलते हैं सीधा ऑडिशन एरिया में, और देखते हैं कि छपरा के मेम साहब कौन सा छप्पर फाड़ परफॉर्मेंस दे रही हैं। मेरा नाम पूजा सिंह है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ये मेरी एक जिद है कि मैं इस फील्ड में आऊँ और एक अलग पहचान बना सकूँ। मैं यहाँ पे डांस करने वाली हूँ। फैमिली के बारे में बताएंगे। हमारी शादी 12 साल की उम्र में हो गई। हमारे बाप माँ बहुत गरीब थे, जो कि पढ़ा नहीं भी पाए, फिर भी हमारी भीतर ये था कि हम पढ़ेंगे। दूसरों के देख देख के क ख ग ए बी सी डी देख कर थोड़ा क्लास करके अब मैट्रिक के परीक्षा दे दिए मैडम, और हम मैट्रिक कर लिए। और उसके बाद में हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई 1987 में कि हम लोग के खाने पर लाला पड़ गए। मेरे बच्चिया छोटे छोटे थे, साहेब बोले, मेरे सर बोले कि भाई हम तो छोटा काम नहीं कर पाएंगे। वो 4 बार चले गए रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने के लिए कि ना हम जिंदा रहेंगे ना हम बाल बच्चे के भूखे मरते देखेंगे। हम अपने बलबूते पर 4 लड़की के बीए कराए मैडम, अपने बेटा को पढ़ाए अपने बलबूते पर, और आगे पढ़ाना हम चाहते हैं। छपरा के मेम साहबों में है कुछ खास, हर किसी में है एक अलग अंदाज, जिसे देखकर सबको ही कहते हैं वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ऐसे ही मेम साहबों के लिए एक्सपर्ट डिशवॉश बार लेकर आया है उपहारों की सौगात। तो आइए जूरी मेंबर से जानते हैं कौन है वो लकी मेम साहब जिन्हें मिलता है एक्सपर्ट की ओर से ये शानदार गिफ्ट हैम्पर। वो पहली मेम साहब सोनी कुमारी, दूसरी भाग्यशाली महिला सविता जी हैं, तीसरी
भाग्यशाली मेम साहब आज की हुई इंद्रावती जी। वक्त हो चुका है कि मैं आपको बताऊं वो कौन है छपरा से जो हमारे साथ गाला राउंड में होंगे। छपरा ऑडिशन में हमारे जजेस की कसौटी पर खरी उतरी हैं पूजा सिंह और सोनी कुमारी, भागलपुर से गुड्डी कुमारी और साधना सिंह। ये चारों मेम साहब कल से हमारे साथ खेलेंगी गाला राउंड। तो अब इन्हें करनी है भारी तैयारी और मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से कि जब गाला राउंड में ये उतरे तो कमाल कर दिखाएं। अब यहाँ वक्त हो चुका है कि मैं आपसे विदा लूँ। विदा होते होते मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि हर किसी को माला पसंद होता है क्योंकि उसमें मोती नजर आती है, पर असल तारीफ उस धागे की है जो इन मोतियों को पिरो के रखती है। ये मेम साहब उन धागों की तरह है, तो हमें इनका सम्मान करना है, इन्हें प्यार देना है और जब भी इनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है, इन्हें आगे बढ़ाना है और ये सिलसिला हमारी तरफ से भी जारी रहेगा। तब तक अपना प्यार देते रहे मुझे और हमारे शो को जिसे आप कहते हैं एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कॉलगेट, कॉलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।